기대가. जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जोश आप देख रहे हैं संदीप, ये 180 की बात हुई थी, 184 हो गया है, 184 पर पहुंच चुकी है भारतीय टीम, 185 टू विन। जो हंसी देख रहा हूं मैं, हमारे फैंस जो स्टूडियो में बैठे हैं, बिल्कुल जे बोनस मैं कहूंगा। और जो बात हमने कही थी, मुझे खुशी है कि न्यूज 18 की बात हमारे भारतीय बल्लेबाजों की तरफ पहुंच चुकी है। हमने कहा था कि पहले तीन बैट्समैन में से किसी एक को आखिर तक खेलना होगा। अच्छा प्रदर्शन, बीच में सॉफ्ट डिसमिसल भी हमने देखे। आप सूर्य कुमार की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, दिनेश कार्तिक की बात करें, लेकिन बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट विराट कोहली अपने साथ लेते हुए चले जा रहे हैं। जुलन, आई थिंक एक क्लास होता है, जो क्लास क्रिकेटर होता है, जैसे बिग बिग टूर्नामेंट आता है तो उस हिसाब से वो अपना परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर लेके जाता है। डेफिनेटली ही वॉज गॉन थ्रू लिटिल बिट ऑफ रफ टाइम, बट वे ही कम बैक सिंस दैट टाइम। वो अपना जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम को छोड़ा नहीं है, उस पैंट को लंबा खींच रहा है। एंड जो अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, जो अपना मोमेंटम को पहचानते हैं और उस पैंट को लंबा खींचते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले भी उन्होंने ये किया है, क्योंकि उनका कंसिस्टेंसी बहुत टॉप क्लास रहा है एंड अभी भी वो मोमेंटम को लेके जा रहा है। क्योंकि इंडिया को अगर वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर नंबर वन टीम बनना है, तो उनका रन बनाना बहुत जरूरी है। अमृत के पास चलते हैं, एडलेड। अमृत, केएल राहुल की वापसी आखिर हो गई। ऐसे सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा था, लगातार भारतीय फैंस परेशान थे कि भैया राहुल का बल्ला कब बोलेगा। अच्छा चलिए, आज राहुल का बल्ला हल्ला बोला, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है किशोर इस तरह की पारी खेलने के बाद। मैं कहूँ कि क्योंकि स्टेडियम के अंदर जो लोग गूंज रही थी, तालियां गूंज रही थी, राहुल के नारे लग रहे थे, तो एक प्लेयर को भी बूस्टर मिलता है। और जैसा झूलन जी भी कही कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला हमारे पास है। ये 184 अगर भारतीय गेंदबाजी अगर ढंग से हुई, अच्छे से लाइन लेंथ से की, तो इस स्कोर में अब दो बार बांग्लादेश को हरा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी है कि उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है। ऊपर के दो तीन बल्लेबाजी हैं किशोर, जो कि 184 है, तो यहाँ से चमत्कारी कुछ होगा किशोर तो अलग बात होगी, लेकिन यहाँ से जो स्कोर बोर्ड पर है वो वाकई जीत की तरफ निश्चिंत कर रहा है कि हाँ, भारतीय गेंदबाज अर्शदीप है, मोहम्मद शमी है, भुवनेश्वर कुमार है। बिलीव कीजिए किशोर, हवा बहुत तेज चल रही है, बादल छाए हुए, तो स्विंग अभी भी मिलेगा, नई गेंद है, तीन चार ओवर खेलेगी लहरती हवा में, तो उसका फायदा अगर भारतीय गेंदबाज उठा पाए तो वो बहुत बेहतर होगा किशोर हमारे लिए। तो हवा चल रही है मंडी, हवा चल रही है और एक अच्छा स्कोर बैट्समैन ने खड़ा किया हुआ है, बोलर्स के पास पूरा मौका है। जी आई थिंक मुझे जैसे बांग्लादेश बॉलर ने आज बॉलिंग की है, थोड़ा मूवमेंट था, स्विंग भी थी एंड पिच में थोड़ा ग्रिप भी हो रहा था। आई थिंक भारत ने ज्यादा स्कोर कर लिया आज, 184 तो बहुत ज्यादा है एंड ये पिच का आई थिंक पास स्कोर 155-160 है। सो अच्छी बात है भारत के लिए दैट वो हवा भी चल रही है। सो हमको मालूम है अर्शदीप सिंह जब पावर प्ले में बॉल डालते हैं काफ़ी आगे डालेंगे, स्विंग देखेंगे हो रही है एंड जिसी तरह से ये नवी बॉल के मूवमेंट हो रहा है, आई थिंक भारत दो तीन विकेट तो उम्मीद है वो निकाल सकें। सूर्य कुमार यादव नंबर वन बैट्समैन भी बन गए T20 क्रिकेट में, अपने रैंकिंग्स में भी उन्होंने सुधार कर लिया। संदीप, विराट कोहली ने भी आज अपना पूरा कर लिया। नहीं, जो 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 रणनीति बनाई है उसे अच्छी तरह से उन्होंने दिखाई है मैदान के ऊपर, खास करके जो विश्वास केएल राहुल के ऊपर दिखाया था उसने सही ठहराया और वहीं से मुझे लगता है कि एक अच्छी एक शुरुआत मिली। बीच में दो तीन खराब शॉट देखने के लिए मिले, लेकिन विराट का आखिर तक खेलना ये सबसे अच्छी बात भारतीय टीम के इस मैच के लिए भी नहीं, आने वाले मैच के लिए भी। पर जुलन, क्या फिनिशर क्या अश्विन थे? अश्विन तो फिनिशर के रूम में नहीं बेचे गए थे, लेकिन फिनिशिंग वो कर रहे हैं। वो अनफॉर्चुनेटली डीके रन आउट हो गया, मतलब रन आउट को आप कुछ नहीं कर सकते हो एंड डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट का प्लान नहीं था डीके जाके फिनिशर रोल प्ले करेगा, बट पिछले तीन चार मैच हो गए जो वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया जिस हिसाब से हमने देखे उनके मतलब IPL हो या पिछला जो इंडिया के टूर्नामेंट रहा वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा फिनिशर रोल का
प्ले किया है, बट अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट पर अभी तक उन्होंने उस लहर में नहीं आया जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं. बट दैट इज हाउ गेम हैज बीन, बिकॉज आप सब चीज प्लान करोगे, हर चीज आपका ऊपर से नहीं जाएगा, कुछ चीज आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा. सो आई थिंक जैसे हम लोग ओपनिंग स्लॉट में पहले स्ट्रगल कर रहे थे, अभी डीके वाला स्लॉट पे हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस जगह पे हमें थोड़ा सा फिर से एक इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. तो बॉन्डी, इस पिच को देखते हुए कौन से बॉलर से सबसे ज्यादा उम्मीद की जानी चाहिए भारत में? आई थिंक यू नो सब फास्ट बॉलर तो अच्छे होंगे, मोहम्मद शमी, भुवनेश कुमार और अर्शदीप सिंह. ये तीनों बॉलर हैं जब सब टूर्नामेंट में दूसरे देशों के साथ सबसे आगे बॉल डालते हैं. एंड दूसरी बात ये भी है, मोहम्मद शमी की जो स्लो बॉल है ना, ये पिच में जो वो शॉट डालेंगे वो भी कामयाबी एक बॉल आएगी. एंड जब जैसे हमने देखा साकिब अल हुसैन को बड़े तरीके से आउट किया, यू नो सूर्या कुमार को वो ग्रिप किया, अच्छी शेप थी. आई थिंक दोनों स्पिनर अश्विन और अक्षर पटेल, ये बहुत बड़ी गेम है दोनों के लिए. इन पर्टिकुलर अक्षर पटेल को जैसे हमने देखा वो जब शुरुआत हुई थी ये टूर्नामेंट की, एक ओवर में यू नो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी नहीं डाली. सो जैसे मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, मैं थोड़ा बायस टू, मैं चाहता हूँ अक्षर पटेल ये गेम में अच्छी बॉल डालें. अक्षर पटेल के ऊपर अब सबकी नजरें हैं. अमृत किशोर, बिल्कुल कहते हैं किशोर, अगर आपके पास एक मकसद है ना, तो आप किसी तरह भी पूरी ताकत के साथ गिरते पड़ते आप वहां पहुंच ही जाते हैं. और टीम इंडिया का साफ मकसद है कि T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करना है दूसरी बार. 2007 पहला वर्ल्ड कप किशोर याद है, और अक्षर पटेल को मौका मिला. अक्षर पटेल को पता होना चाहिए कि भैया उनके स्लॉट के लिए इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं. दिनेश कार्तिक की अभी बात चल रही है कि वो अंदर बाहर किया जाए कि नहीं किया जाए. दीपक हुड्डा इसलिए पिछले मैच में लगाए थे. तो अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर अगले मैच में यही सवाल होगा कि क्या अक्षर पटेल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. तो जैसे आज लोकेश राहुल ने ना मौके पर चौका लगाया है, तो आज तो अक्षर पटेल को किशोर विकेट निकालने पड़ेंगे, तभी टीम में जगह आपकी पक्की हो पाएगी आगे के मुकाबले के लिए. अक्षर पटेल, संदीप, ऑल फाइव बॉलर्स मैं बोलूंगा. अक्षर पटेल ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है. एक मैच के बारे में कभी हम सोचते नहीं है. पाकिस्तान के खिलाफ 21 रन स्पीड गए थे पहले अपने ओवर में, लेकिन हमारे पांचों जो गेंदबाज है, अर्शदीप, भुवनेश्वर, शमी, अश्विन और अक्षर पटेल, ये पांचों के पांचों मैच विनर्स है. अभी देखना है कि क्योंकि रन रेट भी यू नो काम में आएगा, कितने जल्दी हम इनको आउट करते हैं ये देखना होगा. जो जो स्ट्रैटेजी रही इंडियन टीम की, पहले पांच ओवर में सिर्फ 30 रन थे, उसके बाद ऐसा एक्सेलरेशन करके 184 पर पहुंचे. डेफिनेटली, क्योंकि यही एक एरिया था जहां पे हम लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म उतने हिसाब से नहीं कर रहे थे, तो इसलिए आज समय लिया. चाहे केएल राहुल और रोहित शर्मा हो, दोनों ने टाइम लिया. बट अनफॉर्चुनेटली रोहित का शॉट वॉज ऑन था, शॉट मारने वाला बॉल था, बट अनफॉर्चुनेटली फील्डर के हाथ पे सीधा चला गया. बट उसके बाद उन्होंने बिल्डअप किया मोमेंटम. उनको पता है उनको विकेट में रुकना बहुत जरूरी है, और उसमें विराट कोहली का रोल सबसे अच्छा. बिल्कुल, क्योंकि एक सीनियर इनफॉर्म प्लेयर अगर आपके साथ जुड़ जाए तो आपका जो प्रेशर है वो खुद ले लेता है एंड आपको फ्रीली खेलने देता है. एंड एग्जैक्टली वही हुआ. जिस तरीके से विराट आया, केएल राहुल का बैटिंग ग्राफ ऊपर होते चला गया. दैट इज हाउ द सीनियर प्लेयर, जो इनफॉर्म प्लेयर का रोल होता है, जो दूसरे का भी आप जो क्रंच सिचुएशन है उसको आप अपने ऊपर लेके उसके फ्री कर दो, उसको जो प्रेशर है उसको रिलीज कर दो. सो आई थिंक दैट इज हाउ पार्टनरशिप वी कॉल दिस, दैट इज हाउ पार्टनरशिप हैपन एंड दैट इज हाउ टीम गेम इज ऑल अबाउट. बिकॉज क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट है एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे शेयर कर सकते हो, एंड ये चीज देखने को मिला. आप लोग किस कौन से बॉलर से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं? शमी, क्यों? बाउंस अच्छी आती है इस पिच पे मोहम्मद शमी से, जैसा आपने कहा स्लोअर बॉल भी जो है उनकी, वो यहाँ पर ज्यादा काम आ सकती है. संदीप, आपकी राय इस पर? भूवी भी स्लो बॉलर डालता है, अर्शदीप भी डालता है, यॉर्कर भी डालता है. मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया था बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी का, उसका भी यू नो विचार होना चाहिए, उसकी भी कोशिश होनी चाहिए. और खास करके अर्शदीप, शमी, भूवी, ये तीनों जो हमारे गेंदबाज है अच्छे यॉर्कर्स डालते हैं. ये डेथ ओवर्स के लिए नहीं बल्कि बीच में भी उनका प्रयोग होना चाहिए यॉर्कर डालने का. बट की है इस विकेट पे सर राइट एरिया पे बॉल डालना, क्योंकि अगेन डायमेंशन ऑफ दिस ग्राउंड इज डिफरेंट. क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री छोटा है तो आपको सामने ऑफ स्टंप पे फिनिश करना है सामने से,
क्योंकि आप सीधा मारने दो बैटर्स, क्योंकि बांग्लादेश के लिए भी करो या मरो है तो वो भी बिल्कुल फुल ऑन आएंगे। बिल्कुल, तो इसलिए लेंथ, लाइन एंड लेंथ विल बी वेरी की इन दिस विकेट, पर्टिकुलर इन दिस ग्राउंड, क्योंकि बांग्लादेश के जो बॉलर थे सामने से रन खा रहा था और उनका मिड ऑफ मिडन फील्डर ऊपर था, सो वो गलती इंडियन फील्डर कैप्टन एंड बॉलर्स को नहीं होना चाहिए। यानी फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मोंटी। हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है रोहित शर्मा को थोड़ा अटैकिंग फील्डिंग डालनी पड़ेगी, दो स्लिप्स तो होने चाहिए, एंड जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका के साथ एट पर्थ अटैक फील्ड किया पावर प्ले में, इसी तरह से आई थिंक करना चाहिए, एंड एंड अर्शदीप सिंह को तो आगे डालना चाहिए, अटैक करना चाहिए, विकेट निकालनी चाहिए। जी हाँ, तो बैट्समैन पहुंच चुके हैं लेकिन कुमार दास और नंजुन हुसैन शंथो पहुंच चुके हैं मैदान पर ओपनिंग ओवर के लिए। 185 का टारगेट, सेमीफाइनल की तरफ अब देख रहा है भारत इस बड़े स्कोर के साथ, क्योंकि जीतेगा भाई जीतेगा। लौटते हैं हम मैच के बाद।